बहुत सारी कंपनी मिली, तो आपने सिर्फ रियल बी और उससे मशीन क्यों लिया? यूट्यूब से देखकर मतलब सर के ऊपर इतना भरोसा आ गया था कि भाई यूट्यूब पे देखकर ही उतना हमको लगा कि भाई ये मशीन अच्छा दिख रहा है, रियल दिख रहा है, जैसा रियल नाम है तो ऐसा नाम मशीन भी अच्छा दिख रहा है, रियल दिख रहा है। इसीलिए वो सर के वीडियोस देख देख के लगभग मैं महीने दो महीने से वीडियो देख रहा था, तो यूट्यूब पे ही देखकर उनका सब देखने के बाद में मैं डायरेक्ट कंपनी में गया, और कोई दूसरी कंपनी में गया ही नहीं। रियल व्यूअर्स सर आए थे, तो वहाँ पे आपको आने के बाद वहाँ का स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगा था सर? सब बढ़िया लगा, एकदम मस्त है, अच्छा व्यवहार था, टेस्ट आ रहा था सर उसका, क्या आपको टेस्ट लगा? सब टेस्ट एकदम बढ़िया थे, जिस तरह रियल जो थम्सअप वगैरह स्प्राइट वगैरह होते उसी तरह वो टेस्ट थे, इसीलिए हमको पसंद आ गया। आपने हमारे रियल से सर कितने मशीन खरीदे टोटल? अभी तो मैंने एक मशीन खरीदा सोडा की मशीन, अच्छा एक आरो प्लांट भी आपने खरीदा है। कंपनी तो बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा कॉपरेट करती है, और सब बातें जो अभी तक तो अच्छी लगी कंपनी, मशीन भी अच्छा लगा है और ये सब अच्छे मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ रियल बी सोडा मशीन कंपनी की ओर से, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आ चुका हूँ 1+3 डबल कंप्रेसर का मशीन, तो ये हमारा अच्छी क्वालिटी का मशीन है, हमारे सरनाम से मशीन लिया हुआ है, पूरी जानकारी लेंगे वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो सर, कैसे हो आप? बस ठीक है ना? बढ़िया है सर, एकदम मस्त। क्या नाम है सर आपका? फिरोज खान। फिरोज खान सर, तो आप हमसे कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिक सिटी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नासिक सिटी से महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। तो सर आपने जो हमारा रियल का मशीन है वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा था सर आपने? मैं यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखा था। अच्छा, यूट्यूब से आप हमारा मशीन देखे थे, और मतलब यूट्यूब के अलावा आपने कभी रियल ही हमारा मशीन देखा फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं पे आसपास में? नहीं, कहीं तो नहीं देखा मैंने, कहीं भी नहीं देखा। अच्छा, सिर्फ देख के ही वो पूरी जानकारी लिया यूट्यूब पे ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आपने हमारा मशीन देखा था, तो सर आपने जो मशीन ऑनलाइन खरीदा है कि अहमदाबाद विजिट किया है? नहीं, विजिट के लिए गया था मैं, वापस देखने के लिए, कंपनी भी देखनी थी और मशीन भी देखनी थी, वो सब रूबरू जाके उधर देख लिया, उसके बाद में फिर बुकिंग की। अच्छा, वहाँ डायरेक्ट आके आपने बुकिंग किया है, तो वहाँ आने के बाद तो आपको बहुत सारी कंपनी मिली, तो आपने सिर्फ रियल बी और सर मशीन क्यों लिया? यूट्यूब से देखकर मतलब सर के ऊपर इतना भरोसा आ गया था कि भाई यूट्यूब पे देखकर ही उतना हमको लगा कि भाई ये मशीन अच्छा दिख रहा है, रियल दिख रहा है, जैसा रियल नाम है तो ऐसा नाम मशीन भी अच्छा दिख रहा है, रियल दिख रहा है। इसीलिए वो सर के वीडियोस देख देख के लगभग मैं महीने दो महीने से वीडियो देख रहा था, तो यूट्यूब पे ही देखकर उनका सब देखने के बाद में मैं डायरेक्ट कंपनी में गया, और कोई दूसरी कंपनी में गया ही नहीं, डायरेक्ट आपकी कंपनी पहुंचा रियल में, और उसके बाद में फिर वापस जाकर जो भी टेस्ट करना था सोडे वगैरह जो टेस्ट करने के बाद में हमको सब अच्छा लगा, तो हमने लगी बुकिंग कर लिया। अच्छा, वहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट वहीं पे बुकिंग दे दिया था फिर, मतलब और कोई कंपनी आपने चेक भी नहीं किया कैसा है? चेक नहीं किया। अच्छा, डायरेक्ट रियल से आगे आपने मशीन लिया है? एक दो कंपनी देखा था, मगर वो ज्यादा वीडियो देखा नहीं उसके, एक दो बार देखने के बाद में उतना भरोसा नहीं आया जितना ये रियल पे आ गया था, तो उसके बाद डायरेक्ट बुकिंग कर लिया जाके। तो जो आपने रियल बेवरेज सर आए थे, तो वहाँ पे आपको आने के बाद वहाँ का स्टाफ का व्यवहार आपको कैसा लगा था सर? सब बढ़िया लगा, एकदम मस्त है, अच्छा व्यवहार था, अच्छे से उन्होंने सब पूछा, सब बताया भी, और हमारा मतलब सब कॉपरेट अच्छा किया उन्होंने, रिक्शा जो मतलब बस स्टैंड से रिक्शा तक, रिक्शा में बिठा कर हमको कंपनी लेके गए, वो सब हमारे को अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको वहाँ पे मतलब कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं आई सर वहाँ पे आने के बाद? सबसे मतलब सबका व्यवहार अच्छा था, सबने अच्छे से बात की। के बाद आपने वहाँ पे मतलब के कुछ वो कंपनी से हमारा कुछ सोडा वगैरह से टेस्ट किया आपने वहाँ पे? हाँ, टेस्ट किया ना, टेस्ट करने के बाद ही हमने कंपनी बुक किया है। अच्छा, मशीन बुक किया आपने बाद में? 8 से 10 फ्लेवर हमने चेक किए थे, कौन से कौन से फ्लेवर टेस्ट किया आपने कुछ बता सकते हो, और उनका टेस्ट क्या आ रहा था? जीरा के अंदर 2 फ्लेवर चेक किया था, एक गुजराती जीरा था, एक जीरा था, एक स्टिंग का था, स्प्राइट था, लेमन था, कोला था, और नाम नहीं आ रहा था। ओके, कोई बात नहीं। तो जो टेस्ट आ रहा था सर उसका क्या आपको टेस्ट लगा? सब टेस्ट एकदम बढ़िया थे, जिस तरह रियल जो थम्सअप वगैरह स्प्राइट वगैरह होते उसी तरह वो टेस्ट थे, इसीलिए हमको पसंद आ गया। अच्छा, सब टेस्ट एकदम बढ़िया थे, सबका स्वाद अलग था, सब बढ़िया टेस्ट थे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने वहाँ पे सब चीज वगैरह देखी थी, आपको जो बताया गया था मतलब कि आपको सब चीज देखने मिलेगी, कि हमारे यहाँ के जो मशीन खुद मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कारखाना वगैरह में सब बनता है, तो आपको सारा कुछ देखने मिला था वहाँ पे सर? हाँ, सब दिखाया सर, कारखाना दिखाया, किस तरह मशीन बन रही है, किस तरह फ्लेवर के सब गोडाउन है, और ऊपर जो मशीन बन के रखी हुई है वो सब चेक करे हमने। तो सर फिर आपको जो बताया गया था वहाँ पे कि आपने मशीन बुकिंग कर लिया, उसके बाद आपको जो बताया गया था टाइम कि आपको ये मशीन टाइम पे सर मिल जाएगी, हाँ। तो फिर आपको सर टाइम पे मशीन मिली थी? हाँ, एकदम टाइम पे मशीन आ गई, 2-3 दिन का टाइम दिए तो उन्होंने। अच्छा, टाइम में मशीन डिलीवर हो चुका।
अच्छा अच्छा फिर आपको बताया गया था कि मशीन आने के बाद आपको सेटअप रेडी करना है, उसके बाद आपको मशीन फिटिंग के लिए सर बंदा भेजेंगे, तो आपका सर मशीन फिटिंग के लिए आया था बंदा, मशीन फिटिंग हुआ है आपका? मशीन भी फिटिंग हो गया है, सब अच्छे से कर दिए, इंजीनियर साहब भी आए थे, उन्होंने अच्छे से फिटिंग कर दी, सब रेडी हो गए। अच्छा तो आपको जैसा बताया गया था कि मशीन फिटिंग होने के बाद आपको पूरे मतलब कि मशीन की जानकारी मिलेगी, आपको कैसे वर्किंग करना है, फ्लेवर वगैरह कैसे बनाना है और बाकी सारी अदर जानकारी जो भी है सारी आपको मिलेगी, तो आपको सब अच्छे से जानने मिला सर? सब ओके, एकदम बराबर जानने को मिला यार, सब समझ में भी आ गया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। अच्छा तो सब समझ में भी आ गया, मशीन का भी सब काम जितना ऑपरेट करना है वो भी सब समझ में आ गया। अच्छा तो सर आपने हमारे रियल से सर कितने मशीन खरीदे टोटल? अभी तो मैंने एक मशीन खरीदा 16 की मशीन, 4 प्लांट का। अच्छा एक आरो प्लांट भी आपने खरीदा? हाँ। है तो ये कितने लीटर का आरो प्लांट है सर? ये 250 लीटर का है। हाँ, एक घंटे में 250 लीटर आपका पानी फिल्टर कर देता है। अच्छा आपने दो मशीन लिया हुआ है हमारे कंपनी से, मतलब एक आरो प्लांट लिया है 250 लीटर का और एक 1+3 का मशीन लिया हुआ है। तो सर आपका फिटिंग होने के बाद आपने मतलब खुद मशीन को टेस्ट करके देखा है कि मतलब खाली ऐसे ही आपने मतलब मशीन देख लिया था? नहीं मशीन चेक कर ना, खुद ने चला के देखा है मशीन? हां देख लिया, चला के देख लिया। अच्छा तो जो वर्क हो रहा था वो कैसा, मतलब बहुत हार्ड हो रहा था कैसा? नहीं एकदम सॉफ्ट हो रही थी, आसान नहीं, कुछ टेंशन नहीं। अच्छा और मशीन का ऐसा कोई पार्ट हो जैसे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बहुत हार्ड हो, ऐसा कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा तो लगभग आपको जो सीखने में टाइम लगा है मशीन, वो कितना टाइम लगा होगा सर? तो क्या अभी 2-5 घंटे में सीख गए। 2-4 घंटे में आप सीख गए, ऐसा है? तो इसमें आप पूरा सीखे मशीन के, कुछ रह गया बाकी हो? अभी स्टार्ट तो सीखे है, अभी आगे क्या प्रॉब्लम आता है क्या नहीं आता वो तभी फोन करके। अच्छा अच्छा हाँ, वो मतलब मशीन वर्किंग करने के बाद आपको सर पता चलेगा। अच्छा देख सकते हैं सर ने हमको यहाँ पे बताया है। तो आपने सोडा वगैरह टेस्ट किया आपके मशीन से सर यहाँ पे? हाँ टेस्ट किया, जिस तरह मुझे टेस्ट वो अहमदाबाद में मिला था उसी तरह यहाँ पर भी मिल रहा है। अच्छा वैसा ही टेस्ट आ रहा है? तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मशीन फिटिंग हुआ है, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे कंपनी के लिए? आप कंपनी तो बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा कॉपरेट करती है और सब बातें जो अभी तक तो अच्छी लगी कंपनी से, मशीन भी अच्छा लगा है और ये सब अच्छे मिले। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो एक और आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा मैं कि जो सर आपने जो वीडियो में बताया है, तो इसमें कुछ मिलावट वाली बात हो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, मतलब वीडियो से पहले कि आपको सारा ऐसा कुछ बोलना है जो रियल है सामने बता दिया। अच्छा अच्छा ऐसा है सर, मतलब कोई मिलावट वाली बात नहीं है इसमें? देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 1+3 का मशीन और यहाँ पे 250 लीटर का आरओ फिटिंग हुआ है। आप भी ऐसी अच्छी क्वालिटी का मशीन हमारी कंपनी से खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल बेवरेज। थैंक यू।